हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8th के इस लेसन को, और इस लेसन का नाम है बच्चों द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। जो दुनिया में सबसे जो बढ़िया जो है प्रेजेंट क्या होता है, उपहार होता है ना क्रिसमस प्रेजेंट का, वो सबसे बढ़िया, तो कौन सा उपहार था? आइए इस लेसन को पढ़ते हैं, तो शुरुआत करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन जंक शॉप, मैंने उसको स्पॉट किया, मैंने देखा कहाँ पर, एक जो जंक जहाँ पर जो पुराना सामान मिलता है ना, उस दुकान पे मैंने देखा था। इन ब्रिडपोर्ट में, ब्रिडपोर्ट की जगह पर, ए रोल टॉप डेस्क, कैसा वो डेस्क था, ए रोल टॉप डेस्क था वहाँ पर, एक बेंच उसने वहाँ पर वो देखा था, मेज एक। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक, और जो आदमी था बेचने वाला था उसने क्या बोला था, वो किसका है, शुरुआती जो है 19वीं जो शताब्दी है ना, तब ये बेंच बना था, और कौन से जो वृक्ष से, कौन सी लकड़ी का बना हुआ है, वो ओक के जो पेड़ की लकड़ी का वो बना हुआ है वो। आई हैड वॉन्टेड वन, और मुझे तो भाई एक चाहिए था एक मेज, बट देवर फार टू एक्सपेंसिव, और वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, जो नए वाले थे वो क्या थे, एक्सपेंसिव थे, खर्चीले थे, इसलिए वो कहाँ पर गया, ऐसी शॉप पर गया जहाँ पर क्या मिलते हैं, यूज्ड आइटम मिलते हैं, पुराने जो आइटम मिलते हैं। दिस वन वाज इन बैड कंडीशन, जो था एक जो है बुरी जो कंडीशन में था वो मेज, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, जो बहुत ही ज़्यादा पीसेज में वो था, टूटा हुआ था, वन लेग क्लम्सली मेंडेड, एक वो बुरे तरीके से जो एक जो उसका जो लेग की जो एक टांग थी ना उसकी, मेज की तरीके बुरे तरीके से वो जोड़ी हुई थी, स्कोर्स मार्क्स उस पर स्क्रैच के जो मार्क्स लगे हुए थे, ऑल डाउन वन साइड, एक साइड पर, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, और परंतु उसका जो रेट था वो क्या था, बहुत ही वो सस्ते दाम में वो बिक रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, इसको पुरानी स्थिति में ला सकता हूँ, इट वुड बी ए रिस्क, या क्या होगा, एक रिस्क होगा, एक चैलेंज होगा, बट आई हैड टू हैव इट, परंतु मुझे ये जो एक रिस्क लेना था, एक चैलेंज था, एक कठिन कार्य भी था भाई ये, परंतु उसको चाहिए थी भाई वो मेज। आई पेड द मैन एंड बोट इट बैक टू माई वर्क रूम, मैंने जो उस आदमी को पैसे दिए और जहाँ पर वर्क रूम होता, जहाँ पर ये काम करता था, उसको वहाँ पर ले आया, एट द बैक ऑफ द गैराज, जो गैराज था इसके घर के पास, जहाँ पे गैराज में इसको ले गया, जो इसका क्या था, वर्क प्लेस था, जहाँ पर वो चीज़ों को ठीक करता था। आई बिगेन वर्क ऑन इट, और क्रिसमस ईव, जो क्रिसमस की जो ईव थी, उस शाम को उसने उस पे काम करना, उस बेंच पे स्टार्ट कर दिया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट द ड्रॉअर, और उसने उसको पूरा, उसको टॉप, उसका जो बाहरी ऊपरी हिस्सा था उसको रिमूव कर दिया, और उसके जो ड्रॉअर थे वो उसने बाहर निकाले। द ओनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो उसकी जो बाहरी जो होती है ना कवर, वो पूरी तरीके से उखड़ा हुआ था, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज लग रहा था मुझे, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, और जो इस जो मेज पे बोथ जो फायर थी, आग ने, और किसने, जो पानी ने उसको क्या हुआ था, डैमेज किया हुआ था उस मेज को। द लास्ट ड्रोअर वॉज फास्ट स्टक फास्ट, और जो आखिरी जो ड्रोअर था ना, बहुत ही वो खुल नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने बहुत ही कोशिश की कि उसको जेंटली, यानी कि आराम से उसको बाहर निकाल सकूं। इन द एंड आखिर में क्या हुआ, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, लास्ट में मुझे जो है फोर्स लगानी पड़ी, बहुत जोर इसको लगाना पड़ा। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने जो अपनी जो फिस्ट से उसको मारा मेज को, एंड द ड्रावर फ्लू ओपन, और जो ड्रावर है
वो खुल गया भाई, ओपन द रिवील ए सेलो स्पेस अंडरनीथ, और उसके नीचे क्या था, एक सेलो यानी कि खाली जगह थी, ए सीक्रेट ड्रॉअर, क्या था वहां पर, एक सीक्रेट ड्रॉअर के अंदर क्या था, एक सीक्रेट ड्रॉअर था, एंड देर वॉज समथिंग इन देर, और उस सीक्रेट जो ड्रॉअर में कुछ थी चीज, क्या थी वो, आई रीच्ड इन, मैं वहां पर पहुंचा एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उसमें काले कलर का एक टिन का जो एक बक्सा रखा हुआ था, और उस क्या था उस बॉक्स में, सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोटबुक, और उस जो उसके ऊपर क्या हुआ था, एक पेपर नोट लिखा हुआ था, उस पेपर में क्या लिखा हुआ था, एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और जो शेकिंग क्या होता है, हिलते हुए हैंड राइटिंग, उस क्या लिखा हुआ था उसमें, राइटिंग में जिम्स लास्ट लेटर, और जिम का आखिरी पत्र, रिसीव्ड कब मिला था उसको, January 25, 1915 में, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम्स को, मेरे साथ इसको दफनाया जाना चाहिए, उस बॉक्स को, जब टाइम कम, जब मेरा वक्त आए। तो एक चीज़ बता दो, उस टाइम पर क्या हुआ था, 1915 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वार जो फर्स्ट है तब की बात है, जो वर्ल्ड वार जो सेकंड है 42 से ये 45 तक चली थी, और वर्ल्ड वार जो फर्स्ट है 1915 के आसपास हुई थी, 15 से 18 तक शायद, तो तब के जो है बात है ये। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, जैसे कि मैंने खोला उस पर पढ़ लिया भाई मैंने, कि मुझे ये तो पता था कि ये भाई बुरा है किसी की जो प्रॉपर्टी खोल रहा हूँ मैं, परंतु मैंने उसको खोल दिया, बट क्यूरियोसिटी, परंतु वो क्या था, जागरूक था वो, मतलब कि वो सोच रहा था कि अरे क्या होगा, क्यूरियस होगा, जानने का इच्छुक था वो, गोट द बेटर ऑफ माई स्कपलस, और वो भाई हैरान था कि भाई इट यूजली डज, वो हमेशा होता ही है ना वो बेचैन हो जाना कि भाई क्या है इसके अंदर, क्या मिलेगा इसके अंदर, तो ऐसा वो उसने वो बॉक्स खोल दिया, एंड इनसाइड द बॉक्स देर वॉज एन एनवलोप, और उस जो बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवलोप था, एक लेटर था, द एड्रेस रीड, और उस एनवलोप पे क्या लिखा हुआ था, मिसिज जिम मैकफर्सन 12th कॉपर बीचेज ब्रिडपोर्ट, और जो वहाँ का क्या लिखा हुआ था, एड्रेस लिखा हुआ था, आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर को बाहर निकाला, अनफोल्डेड इट, और उसको खोला, इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा गया था, एंड डेट एट द टॉप, और उस जो डेट थी ना उस पर लेटर पर कितनी थी वो, December 26, 1914 की उस पर डेट थी, और क्या था अब जो है उस लेटर का पढ़ते कॉन्टेस्ट, डीरेस्ट कोनी, अपने जो किसी प्यारी कोनी को उसने लिखा था, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं तुम्हें जो ये पत्र लिख रहा हूँ हैप्पियर स्टेट, बहुत ही खुश हूँ मैं, बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पर, बहुत ही वंडरफुल अद्भुत जो चीज़ यहाँ पर हुई है, जस्ट हैपन अभी हुई है, दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, कि मुझे तुम्हें इसके बारे में अभी बताना है, We were all standing to in our trenches yesterday morning. जो हम जो yesterday यानी कल की सुबह अपने अपने जो आर्मी के जो पोस्ट होते हैं ना, ऐसे ऐसे वो trenches जहाँ पर वो जाने के लिए गड्ढे से खोद लेते हैं, लाइन बना लेते हैं ऐसे ऐसे, और वहीं से एक दूसरे से जाते हो, ताकि वो सामने वाले जो सोल्जर हैं वो गोली ना मार दे, तो उनको बोलते हैं ट्रेंचेज, हम अपने जो ट्रेंचेज में खड़े हुए थे, स्टैंडिंग खड़े हुए थे क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह को, इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और सारे क्या था, क्रिस्प था, सूखा हुआ था, और क्या था, क्वाइट थी, शांति थी चारों ओर, एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और कितनी थी, एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर सी क्या थी, मॉर्निंग थी, सुबह थी,
एज कोल्ड एज फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और कितनी थी वो, जैसे कि जो कोल्ड एक जो क्रिसमस मॉर्निंग होती है ना जिस टाइम पर कोल्ड ठंडी ही और जमा देने वाली फ्रोस्टी क्या होता है, जमा देने वाली बर्फीली, वैसी वो क्रिसमस की जो मॉर्निंग थी वो सुबह थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, कि मुझे आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट बट द ट्रूथ आई एम असेम टू से आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल, मैं ये बताना चाहता हूँ तुम्हें कि भाई हमने शुरुआत की थी, बट द ट्रूथ, परंतु जो सच्चाई क्या थी, आई एम असेम टू से, मुझे कहने में क्या हो रही है, शर्म आ रही है। असेम क्या होता है, शर्म आना, दैट इट इज दैट फ्रिट्ज बिगेन इट, जो फ्रिट्ज जो वर्ड है ना, जो जर्मन के जो सोल्जर हैं उनके लिए जो एक जो कॉमन टर्म है वो यूज की जाती है फ्रिट्ज, कि भाई उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी। क्या थी वो चीज़, फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग, सबसे पहले क्या देखा, किसी ने वाइट फ्लैग, कोई जो है सफेद जो फ्लैग है झंडा है वो लहरा रहा है फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, दूसरी जो उनके जो साइड में जो ट्रेंचेज थे वहाँ से कोई सफेद कलर का झंडा कोई फहरा रहा है। देन देर वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड्स, और फिर वो मुझे हमें बुला रहे थे नो मैन्स लैंड में, जो इस पर जो है किसी का भी अधिकार नहीं होता। ऐसे होते हैं ना जैसे कि एक कंट्री होती है जिसका यहाँ तक जिसके कंट्रोल में होती है, दूसरी होती है उनके अंदर यहाँ तक होती है, इनकी जो बीच की जो जगह होती है जिस पे किसी का अधिकार नहीं होता उस जगह को बोलते हैं नो मैन्स लैंड। तो उस जो जगह से वो हमें बुला रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, क्या बोल रहे थे वो, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, और हम में से क्या, हम तो ये क्या थे, बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे थे कि भाई वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही है, वर्ल्ड वार फर्स्ट की बात है, और आपके जो अपोजिशन में है, आपके जो शत्रु है, वो क्या बोल रहे हैं आपको, हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं, क्रिसमस की आपको बधाई दे रहे हैं। सेम टू यू फ्रिट्स, और हमने क्या बोला, सेम टू यू, तुम्हें भी भाई बधाई हो, सेम टू यू, आई थॉट दैट वुड बी दैट, और हमने सोचा कि भाई वहीं पर जो बात है वो रुक जाएगी, वी ऑल डिड, हम सभी ने ऐसा सोचा था, बट देन सडनली, और फिर अचानक क्या हुआ, वन ऑफ देम वॉज अप देर इन हिज ग्रेट कोल्ड एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और फिर क्या हुआ, उनमें से क्या हुआ, जिसने जो ग्रे कलर का ग्रे कोट जो जो जर्मन की जो यूनिफॉर्म थी वो पहनी हुई थी, वो उठा और क्या वो कर रहा था, वो एक जो वाइट सफेद कलर का जो झंडा वो फहरा रहा था, डोंट शाउट लैड्स, समवन शाउटेड, और किसी ने क्या चिल्लाया, डोंट शूट, कि भाई गोली मत मारो, एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई। देन देर वॉज एन अदर फ्रिट्स, और फिर क्या हो गया, दूसरा जो जर्मन सैनिक था वो खड़ा हो गया अप ऑन द पेपरपेट एंड अनदर, और फिर दूसरा खड़ा हो गया, फिर एक एक करते हो क्या हो गए, खड़े हो गए। कीप योर हेड डाउन आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने जो आदमियों को बोला अपना सिर नीचे करो, इट इज ए ट्रिक, यह क्या हो सकती है, एक ट्रिक हो सकती है कि वो झूठ बका रहे हो आपको, आप खड़े हो और वो आपको गोली मार दे, बट इट वॉजंट, परंतु क्या थी, कोई भी जो ट्रिक है वो नहीं थी, इट वॉज नॉट ए ट्रिक। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग ए बोटल अबव हिज हेड, और उनमें से एक जो जर्मन सैनिक था अपने सिर के ऊपर से बोटल को हिला रहा था वो। इट इज क्रिसमस डे, यह कौन सा दिन है, क्रिसमस का डे है टोमी, जो जापानीज नहीं जर्मन जो सैनिक थे वो इनको अमेरिका वालों को इंग्लैंड वालों को क्या बुलाते थे, टोमी बुलाते थे, एक कॉमन नाम है, और जो ये बुलाते थे उनको क्या बोलते थे, फ्रिट्स बोलते थे। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास कौन सी ड्रिप जो बोतल जो बोल रहे हैं ना, कि जैसे रम होता है क्रिसमस होता है
नहीं, वो रम होता है, विस्की होता है, वैसे जो एक जो अल्कोहल है, बेवरेज है, उसका क्या नाम था? स्नैप्स के हमारे पास तो ये है, ड्रिंक्स है, वी हैव सोसेज, हमारे पास सोसेज है, विल मीट यू, यस हम तुम्हें मिलेंगे रास्ते में, यस हाँ, बट दिस टाइम देर वर डजन ऑफ दम वॉकिंग टुवार्ड अस अक्रॉस नो मैन लैंड। और अब क्या हुआ, उनमें से जो डजन थे, दर्जनों लोग आ गए भाई, और कहाँ पर आ रहे थे वो, जो बीच में जो उनके जो जगह थी ना नो मैन लैंड, वहाँ पर वो चले आ रहे थे। नॉट ए राइफल बिटवीन दम, और उनमें से कोई भी वो क्या ले रहे थे, राइफल उन्होंने नहीं ले रखी थी अपने हाथों में। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज फर्स्ट अप, सबसे जो पहले कौन खड़ा हुआ, जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था ना, सबसे पहले वो खड़ा हुआ। कम ऑन बॉयज, आ जाओ लड़को, वॉट आर यू वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, हम क्यों वेट कर रहे हैं, हम भी चलते हैं भाई, मिलते हैं उनसे। एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और फिर उनको कोई रोकने वाला नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं था ऑफिसर वहाँ पर, आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम देर एंड देन, मुझे उनको वहीं पर रोक देना चाहिए था उसी टाइम। आई सपोज, मैं अनुमान लगाता हूँ, ऐसा सोचता हूँ कि मुझे उनको रोक देना चाहिए था, बट द ट्रूथ इज दैट, परंतु सच्चाई ये है, इट नेवर इवन अकर्ड टू मी, कि मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं कि भाई मुझे इनको रोकना है, कि भाई मैंने भी उनको जाने दिया। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली, ऑल अलोंग मैं देख सकता था कि भाई वहाँ से भी सैनिक आ रहे हैं अपोजिट साइड से, और यहाँ से भी वो जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ, ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। और वो कहाँ पर कौन से कोट्स मिल रहे हैं, ग्रे कोट जो जर्मन सैनिकों ने पहने हुए थे, और जो खाकी कोट्स जो ब्रिटिश जो सोल्जर थे उन्होंने पहने हुए थे, कहाँ पर मिल रहे हैं वो, मिडल में, मध्य में वो लोग मिल रहे हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका क्या था, एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, और जो लड़ाई के जो वार है ना उसके मध्य में हम क्या कर रहे थे, वी वर मेकिंग पीस, हम शांति कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम विश्वास नहीं कर सकते, डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर, की जो मेरी जो फीलिंग है तुम उसको एहसास नहीं लगा सकती, कि जब मैंने जो फ्रिट्स सोल्जर, जो जर्मनी का जो सोल्जर था, उसकी जो आंखों में मैंने देखा, हु अप्रोच्ड, जो मेरी तरफ पहुंचा, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, और जिसने हाथ फैलाए हुए थे, हांस वोल्फ ही सेड, उसने क्या बोला, हांस वोल्फ ग्रिपिंग माई हेड, मेरे हाथ को उसने मिलाते हुए वार्मली एंड होल्डिंग इट, और उसको उसने होल्ड किया है भाई, दोनों ने हाथ मिला लिया, हैंडशेक हो गया वहाँ पर। आई एम फ्रॉम डेसलडॉर्फ, मैं कहाँ से हूँ, डेसलडॉर्फ जो जगह है वहाँ से मैं हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मैं जो ऑर्केस्ट्रा में क्या प्ले करता था, सेलो, सेलो एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्ले करता था, हैप्पी क्रिसमस, और क्रिसमस की उसने बधाई दी। और फिर ये क्या बोला भाई, कैप्टन जिम मैकफर्सन, मैंने अपना नाम बताया, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, कैप्टन जिम मैकफर्सन, जिम मैकफर्सन एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू, और इसने भी, जो जिम ने भी उसको बधाई दी, किसकी, क्रिसमस की। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, मैं कहाँ से, एक स्कूल का अध्यापक हूँ डोरसेट जगह से, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और जो इंग्लैंड के काम पर है, पश्चिम में वो जगह है। आह डोरसेट ही स्माइल्ड, उसने स्माइल किया, मुस्कुराया, अरे डोरसेट हो से हो क्या तुम, आई नो दिस प्लेस, इस जगह के बारे में तो मुझे पता है, आई नो इट वेरी वेल, मैं मुझे बहुत इसको अच्छे से जानता हूँ। वी सेड माई रम राशन, हमने जो मुझे जो रम का मुझे राशन मिला हुआ था, मैंने शेयर किया उसके साथ, मैंने दिया, एंड इज एक्सीलेंट सोसेज, और जो उसके पास क्या थी, सोसेज थी, खाने की एक वो होती है, उसको हमने शेयर किया एक दूसरे के साथ, एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की,
कोनी हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे एक दूसरे से बात की जो एक दूसरे के शत्रु हैं और किसी भी टाइम एक दूसरे की जान ले सकते हैं युद्ध में वार में, हमने वहाँ पर एज ए फ्रेंड दोस्तों की तरह उन्होंने बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो लगभग परफेक्ट एक इंग्लिश में वो बात कर रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, परंतु ऐसा हुआ कि उसने जो डोरसेट में वो कभी भी घूमा नहीं था, वो कभी भी वहाँ पर गया नहीं था। नेवर सीन, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और वो कभी भी जिसने इंग्लैंड की उसने कभी भी यात्रा नहीं की थी। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू फ्रॉम इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसको जो भी इंग्लैंड के बारे में पता था ना, उसने अपने जो स्कूल है अपने जो स्कूल में ही उसने पढ़ा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो उसने जो किताबें जो इंग्लिश में पढ़ी थी ना, वहाँ से ही उसको इंग्लैंड की सारी जानकारी थी। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसका जो फेवरेट पसंदीदा जो राइटर था ना लेखक, वो कौन थे? थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, और उसकी जो फेवरेट वो पसंदीदा जो बुक का क्या नाम था? फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, जो उसकी जो फेवरेट बुक थी। सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बादशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट, और फिर वहाँ पर हमने आपस में गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय और इनके बारे में, डोरसेट जो जगह है उनके बारे में हमने आपस में वार्तालाप की, बातचीत की हुई। ही हैड ए वाइफ, उसकी क्या थी? एक पत्नी थी। एंड ए वन सन, और एक बेटा था। बोर्न जस्ट 6 मंथ अगो, 6 महीने पहले ही उसको उसके बेटे का जन्म हुआ था। एज आई लुकड अबाउट मी देर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और मैंने अपने चारों तरफ देखा, वहाँ पर क्या था? खाकी थी ड्रेस और जो ग्रे ड्रेस थे आपस में बात कर रहे थे। ऑल ओवर नो वन लैंड में, जहाँ पर जो नो मैंस लैंड थी उस जगह में आपस में वो बात कर रहे थे, स्मोकिंग वो सिगरेट पी रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग ड्रिंकिंग ईटिंग खा रहे थे, पी रहे थे और बातचीत कर रहे थे। हांस वोल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ अवर वंडरफुल क्रिसमस केक, जो हांस वोल्फ और मैंने क्या किया, शेयर किया एक दूसरे के साथ, जो क्रिसमस का जो केक जो बचा हुआ था ना, उसको शेयर किया एक दूसरे के साथ। कोनी ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्ट, उसको ही थॉट, उसको क्या लगा कि जो मार्जिपन क्या होता है, जो स्वीट होती है, मिठाई होती है, इससे बढ़िया उसने मिठाई वो कभी ऐसे खाई नहीं थी, उसको ऐसा लगा। आई अग्रीड, मैं सहमत था। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ पे क्या थे, एक दूसरे से सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो क्या था, मेरा शत्रु था वो। देर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कोने वहाँ पर इस तरह की कभी भी ऐसी कोई क्रिसमस की पार्टी नहीं हुई थी। देन समवन आई डिड नॉट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, और फिर क्या हुआ, मैं नहीं जानता कौन था वो एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट वर डम्प्ड इन द पाइल टू मेक गोल पोस्ट, एक दूसरे के जो लंबे लंबे जो कोट्स थे ना वो निकाल दिए उन्होंने, क्या बना लिया उससे, गोल बना लिए, गोल पोस्ट बना लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो वन लैंड, और फिर हमने क्या देखा कि भाई जो जर्मन सैनिक थे फ्रिट्स और जो टॉमी थे जो इंग्लैंड के ब्रिटिश के सोल्जर थे, उनके बीच में क्या हो रहा है, फुटबॉल का मैच हो रहा है। हांस वोल्फ एंड आई लुकड ऑन एंड चीयर्ड, हमने एक दूसरे की तरफ देखा एंड चीयर्ड, और हमने मजा लिया। क्लैपिंग अवर हैंड्स, अपने हाथों से ताड़ियां बजाई। स्टैम्पिंग अवर फीट, अपने जो पैर को भी हम चला रहे थे टू कीप आउट द कोल्ड एज, क्योंकि जो जो ठंडे लग रही थी ना उनको, क्योंकि दिसंबर और क्रिसमस का टाइम था, दिसंबर का महीना था, और उनको
ठंड लग रही थी बहुत, और वो क्या करना चाहते थे, जो ठंड है सर्दी को एक दूसरे से दूर रखना चाहते थे, और इसलिए वो अपने जो पैर हैं वो चला रहे थे। देर वॉज ए मोमेंट वेन आई नोटिस्ड अवर ब्रेथ मिंगलिंग इन एयर बिटवीन अस, और जो एक जो सन आया, जब मैंने देखा कि अपने एक दूसरे के हमारी जो सांसें हैं, जो ठंड होती है ना, बहुत ही ठंड है, जब आप कुछ भी बोलते हो तो एक आपको भाप निकलती है, तो ऐसे उनकी जो सांसें हैं वो आपस में मिल रही थी। ही साइड टू एंड स्माइल्ड, उसने भी वो देखा और स्माइल किया, मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, ही सेड, उसने कहा आफ्टर ए वाइल्ड, कुछ देर बाद, आई थिंक देर दिस इज हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वार। मुझे लगता है कि हमें जो अपने ऐसे जो इस जो वार है, लड़ाई है, इसको ऐसे रिजोल्व करना चाहिए, निपटारा करना चाहिए। इसका एक फुटबॉल मैच क्या होना चाहिए, एक फुटबॉल का मैच होना चाहिए। नो वन डाई इन ए फुटबॉल मैच, फुटबॉल के जो मैच में किसी की भी जान नहीं जाती। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फंड, और जो कोई भी जो बच्चा है वो बेसहारा नहीं होता, ऑर्फन नहीं होता, अनाथ नहीं होता। नो वाइफ बिकम विडोर, कोई भी जो पत्नी है वो क्या होती है, विधवा नहीं होती। ऑर्फन क्या होता है, अनाथ, विडो क्या होते हैं, विधवा। आई प्रिफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया कि भाई मैं तो क्रिकेट खेलूँगा, क्रिकेट को प्रिफर करूँगा। एंड देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, और फिर हम जो टॉमीज हैं हम श्योर, हमें पक्का जो है श्योर होगा, पक्का विश्वास होगा कि हम जीत जाएंगे, प्रोबली हो सकता है। वी लाफ्ड, हम हंसे एट दैट, उस बात पर। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, सैड टू से, और फिर हमने दोनों ने वो गेम देखा फुटबॉल का, सैड टू से, कहने में मुझे दुख हो रहा है। कोनी फ्रिज वन, जो जर्मन है वो जीत गए 2-1, उन्होंने इनके जो है 2 गोल कर दिए और इनका 1 गोल था। बट हैंस वोल्फ जेनरलेसली सैड, उसने प्यार से ये कहा, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर, जो है हमारा जो गोल है उनके से क्या था, चौड़ा था। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, सो ये फेयर नहीं था, ठीक बात नहीं थी। टाइम केम, फिर जो है पल आ गया, समय आ गया। एंड ऑल टू सून, और जल्दी क्या हो गया, व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जब जो खेल है वो फिनिश हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सोसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और फिर क्या हो गए थे, इनकी जो ड्रिंक्स थी, रम थी, स्नैप्स थी, वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई, और सोसेज भी ख़त्म हो गई। एंड वी न्यू इट वॉज ओवर ऑल ओवर, हम जान चुके थे कि ये अब इसकी समाप्ति का टाइम है, वक्त है, वो आ गया है। आई विश्ड हैंस वेल, जो मैंने हंस को विश किया कि भाई हाँ ठीक है, ओके, बाय बाय, एंड टोल्ड हिम, और उसको क्या बताया, आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैं क्या ऐसी उम्मीद करूँगा कि तुम अपने परिवार से जल्द ही मिलो। एंड दैट्स द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम क्या उम्मीद करेंगे कि जो जल्दी है, फाइटिंग है, लड़ाई है, जल्दी ही ख़त्म हो जाए और हम जल्दी से अपने घर जा सकें। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वॉन्ट, और यही जो है, जो एवरी, जो प्रत्येक जो सोल्जर है यही चाहता है कि जो लड़ाई है, वॉर है, वो ख़त्म हो जाए, ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों में। हांस वोल्फ सेड, हांस वोल्फ ने ये कहा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस जो मोमेंट को, इस पल को कभी नहीं भुला पाऊँगा, नोर यू, और ना ही तुम्हें भूलना चाहिए। ही सल्यूटेड, उसने जो है सल्यूट किया एंड वॉक अवे, और चला गया फ्रॉम मी, मेरे से दूर, स्लोली, धीरे से, अनविलिंगली आई फेल्ट, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसका ऐसा करने का मन नहीं है, अनविलिंग यानी कि बिना इच्छा के। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वो एक बार ही मुड़ा वेव करने के लिए, हाथ हिलाने के लिए। एंड देन बिकेम वन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोस्ट मैन, और फिर क्या हो गया, वो उन जो हंड्रेड, जो 100 के आसपास जो ग्रे कोट पहने हुए जो आदमी थे, उनमें से ही वो एक हो गया। ड्रिफ्टिंग बैक टुवार्ड देयर ट्रेंचेज, और जो अपने जो ट्रेंचेज में वो जा रहे थे। दैट नाइट, उस रात को क्या हुआ, बैक इन अवर डग आउट्स, डग आउट वो
जगह होती है ट्रेंचेज की जगह, वो जब वो खोद के ऐसे वो रखते हैं, हिंदी में वो बोलते हैं मोर्चे, ताकि दुश्मन है उन दुश्मन सैनिक उन पे हमला ना कर सके, तो ये क्या करते हैं खोद के उनको उनमें ही लेट जाते हैं। तो डगआउट्स में वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, हमने क्या उनको गाते हुए सुना है, जो क्रिसमस का जो गीत होता है उसको कैरल बोलते हो, कैरल गाते हुए हमने सुना, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और वो बहुत ही सुंदरतापूर्वक उसको सिंग कर रहे थे, गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नेक्ट, उसका क्या नाम था, साइलेंट नाइट थी वो, शांत शांति भरी रात थी वो। अवर बॉयस गेव देम ए राउजिंग चोर्स, हमने भी वो गीत गाए, वाइल शेपर्ड्स वॉच्ड वी एक्सचेंज्ड कैरल फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, हमने कुछ देर तक तो वो गीत गाए और फिर हम सभी शांत हो गए। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, हमारे पास जो ये टाइम था, ये पल था, पीस का था, शांति का था, जो वो पल जो मैं जिसको ट्रेजर करके रखूँगा, उसका सम्मान करके रखूँगा, एज ए किसी गहने की तरह, ट्रेजर की तरह, किसी महत्वपूर्ण चीज की तरह, जब तक मैं जीऊंगा। डियरेस्ट कोनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, बोलते हैं कि अगले जो है क्रिसमस तक जो ये वार है वो कुछ भी नहीं रहेगा, परंतु एक जो बुरी जो मेमोरी है, याददाश्त है, उसके तौर पर ही ये रहेगी। आई नो फ्रॉम दैट हैपन टुडे, मैं जानता हूँ कि जो आज हुआ, जो चीज़ टुडे, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कैसे जो है दोनों जो आर्मी है, कैसा जो वो क्या चाहती है, पीस चाहती है, दोनों देशों की आर्मियाँ क्या चाहती हैं, शांति चाहती है। वी शुल बी टुगेदर अगेन सून आई एम श्योर, हम एक दूसरे से जल्दी ही मिलेंगे, आई एम श्योर ऑफ इट, और मैं इस चीज़ का क्या है पक्का विश्वास करता हूँ। योअर लविंग जिम, और इस तरह से जो इस लेटर का अंत हो गया, तुम्हारा प्यार करने वाला जिम। आई फोल्डेड द लेटर अगेन, और अब वो प्रेजेंट में बात आ गई कि उस जो लेटर को मैंने पढ़ा और उसको फोल्ड कर दिया, भाई जिम का, जिम मैकफर्सन का वो लेटर था जो अपनी जो पत्नी थी कोनी उसके लिए लिखा था ना, उसको फोल्ड कर दिया उसने एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवलोप, और दोबारा जो उस लेटर को उस एनवलोप पे मैंने डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और पूरी जो रात है मैं जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, और सुबह तक मैं जानता था कि मुझे क्या करना है, क्या करना है भाई। आई ड्रॉ इन टू ब्रिज ब्रिडपोर्ट, मैं उस जगह पर गया, जस्ट ए फ्यू माइल अवे, कुछ मील की दूरी पर थी वो। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग्स वेयर कूपर, विच इज वा, मैंने जो एक जो लड़का था अपने जो डॉग्स के कुत्ते के साथ वो चल रहा था, उसे पूछा कि कहाँ पर है ये कोपर बीच हाउस नंबर 12 कहाँ पर है। टर्नड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्नड आउट सेल, और वो क्या हुआ, वो घर क्या हुआ था, वो कुछ नहीं था बल्कि क्या था, जिसमें बर्न डाउन था, जिसमें आग लग गई थी उस घर में, द रूफ गेपिंग, जिसकी छत नहीं थी, विंडोज बोर्डेड अप। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड, मैंने जो है खिड़कियाँ टूटी हुई थी और जो अगले जो घर से उनसे मैंने पूछा इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसिज मैकफर्सन, किसी को पता है कहाँ पर रहती है मिसिज मैकफर्सन। ओ यस अरे हाँ, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, जो उसने जो एक आदमी था अपने जो स्लीपर उसने पहने हुए थे चप्पल उनमें, बोला अरे हाँ मुझे पता है कहाँ पर रहती है वो। ही न्यू हर वेल, वो उसको अच्छे से जानता था, ए लवली ओल्ड लेडी, बहुत ही प्यारी वो बूढ़ी औरत थी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ए बिट पडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वाजेंट सी, वो बहुत ही थोड़ी
बूढ़ी हो चुकी थी, परंतु उस एज पे वो थोड़ा गर्म दिमाग होना चाहिए भी। वाजेंट सी क्या वो नहीं थी, 101 ईयर ओल्ड, वो कितनी थी, 101 साल की बूढ़ी हो चुकी थी। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट वॉज कॉट फायर, वो जब उस जो हाउस में घर में ही थी जब उसमें आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, किसी को भी ये पता नहीं था कि जो आग है कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल, हो सकता है कि जो मोमबत्तियाँ जल रही है उसकी वजह से आग लगी हो। शी यूज्ड कैंडल रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो कैंडल जो मोमबत्तियाँ वो जलाया करती थी बिजली की बजाय, बिकॉज क्योंकि शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, वो हमेशा सोचती थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना बिजली वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, खर्चीली है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, उसको बस टाइम पर ही उसके जो फायरमैन थे जो दमकलकारी थे जो आग बुझाने वाले थे उसको बस टाइम पर ही उसकी जो जान है वो बचा पाए थे। शिवाजी ने नर्सिंग होम, ना अब वो कहाँ पर रहती थी, एक वृद्धाश्रम होते हैं ना वहाँ पर वो रहती थी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, बर्लिंगटन हाउस, कहाँ पर वो जगह बताई, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरसेट रोड ऑन द अदर साइड ऑफ जो टाउन, जो शहर के जो दूसरे जो जगह पर जो है ना बर्लिंगटन हाउस, वहाँ पर जो डोरचेस्टर जो रोड है वहाँ पर वो रहती है जो शहर के दूसरे हिस्से में। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजिली इन्होंने जल्दी ही वो हमने मैंने वो ढूंढ लिया वो घर। देर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लोपस्टाइटेड एंगल ऑन टॉप, और वहाँ पर क्या था, इसने जो पेपर चेन्स वहाँ पर बनी हुई थी हॉलवे में उस हॉल में, और वहाँ पर जो एक क्या था एक क्रिसमस का जो ट्री था वो जल रहा था वहाँ पर एक कॉर्नर में, और उसके ऊपर एक एंगल बना हुआ था। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकपर्सन, मैंने बोला कि मैं क्या हूँ, एक फ्रेंड हूँ, एक मित्र हूँ जो मिसिज मैकपर्सन से मिलने आया हूँ। टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, और उसके लिए क्या लेकर आया हूँ, एक क्रिसमस का तोहफा लेकर आया हूँ, क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ। आई कुड सी दो इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, मैं देख सकता था कि वहाँ पर सभी जो है पेपर जो हैट पहने हुए हैं और क्या गा रहे हो, सिंगिंग गा रहे हो गाना। द मैटर्न हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और जो औरत थी वो क्या थी, उसने जो अपने सर पे हैट पहनी हुई थी और वो बहुत ही हैप्पी लग रही थी, खुश लग रही थी मुझे देखने पे। शी इवन ऑफर्ड मी मिंस पाई, उसने मुझे जो एक मिंस पाई वो खाने के लिए वो पाई भी मुझे दी। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो कोल्डर कॉरिडोर में मेरे साथ चली। मिसिज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर, शी टोल्ड, उसने मुझे बताया कि वो दूसरों के साथ नहीं है मिसिज मैकफर्सन। शी इज रादर कन्फ्यूज टूडे, वो आज बहुत ही ज़्यादा क्या है कन्फ्यूज है। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट, तो हमने सोचा कि अच्छा होगा कि आज उसको एक बढ़िया सा रेस्ट मिल जाए, आराम मिल जाए, तो ये उन्होंने सोचा। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो आपको पता उसका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट, उसे कोई भी मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, परंतु वो क्या होगी, मैं जानती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगी आपको देखकर। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विद वाइडर चेयर एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट, और वो मुझे जो एक कंजर्वेटरी क्या होता है ग्लास जो हाउस होता है कि वहाँ पर मुझे ले गई एक कांच के रूम में, जहाँ पर क्या हुआ था चेयर्स थी एंड जहाँ पर प्लांट्स के पौधे लगे हुए थे ऑल राउंड चारों ओर, और वहाँ पर उसने मुझे
छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, वो कहाँ पर बैठी हुई थी, एक ऐसी जो व्हील चेयर है कुर्सी है उस पर बैठी हुई थी। हर हैंड फोल्डेड इन हर लैप, और जो उसके जो हाथ थे वो क्या थे, फोल्डेड थे उसकी जो लैप में उसकी गोद में। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उसके जो वाइट जो हेयर हो चुके थे पिंड इन टू ए विस्पी बन, जो उसने जो एक जो जूटा जो सिर पे किया हुआ था। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो जो गार्डन होता बगीचा है उसकी तरफ वो देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने उसको हेलो बोला। सी टर्न वो मुड़ी एंड लुकड एट मी वैकेंटली, और मेरी तरफ वैकेंटली ऐसे ध्यान से देखा, उसके दिमाग में कुछ नहीं आया। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, मैं बोलने लगा कि हैप्पी क्रिसमस कोनी, जो उसका नाम लेके वो बुला रहा मिसिज मैकपर्सन को, कोनी कह के। आई फाउंड दिस, मैं मुझे ये मिला, जो लेटर हो एनवलप वो उसको दिया कोनी को भाई। आई थिंक इट्स योर्स, मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे कि मैं बोल रहा था ना, वो हमेशा वो मेरे जो चेहरे की तरफ ही वो देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने जो है टिन बॉक्स उसको खोला और उसको जो एनवलोप है वो दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्निशन, उस टाइम पर जो उस जो मोमेंट था वो पल था जो उसकी जो आंखें थी वो चमकाई, आंखें थी वो चमकी किसमें, रिकॉग्निशन, वो उसको याद कर रही थी। रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफर्स्ट विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और जो उसका जो चेहरा है वो खुशी से भर गया। किससे भर गया, हैप्पीनेस से, हैप्पीनेस के ग्लो उसके जो चेहरे पर मुस्कान आ गई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने जो मेज के बारे में एक्सप्लेन किया, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि भाई मुझे कैसे वो मिला, कैसे वो मिला। बट आई डो नॉट थिंक शी वॉज लिसनिंग, पर मुझे नहीं लगता कि वो अब वो सुन रही थी, वो जो उसे बॉक्स की तरफ ही वो देखे जा रही थी और उसको याद कर रही थी, उसको जो अपनी जो पुरानी है वो बात याद आ रही थी। फॉर ए वाइल, कुछ देर तक, सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर ट्रिप्स, और जो परंतु जो अपने जो उंगलियां थे उसमें पकड़ के उसको लेती रही, उसको लेटर को उसने अपने हाथों में पकड़े रखा। सडनली अचानक सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और अचानक ही उसने जो मेरा हाथ हाथ में अपने हाथ में ले लिया, पकड़ लिया। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, और जो उसकी आंखों में आंसुओं से भर आई। यू टोल्ड मी यू कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक वापस आ जाओगे डियरेस्ट, मेरे जो प्रिय। सी सेड, उसने कहा, एंड हियर यू आर, और यहाँ पर तुम आ गए हो मेरे पास, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो सबसे जो बेहतरीन जो है क्रिसमस का तोहफा मेरे लिए आए हो कि तुम मेरे पास आ गए हो, कम क्लोजर पास आओ जिम डियर सिट डाउन, बोल दे कम क्लोजर पास आओ जिम, जो अपने हस्बैंड का नाम था ना जिम मैकफर्सन, जिसका वो वेट कर रही थी, उसने सोचा कि भाई ये तो वो आ गया जिम मैकफर्सन, मेरे पास आओ एंड सिट हियर, और यहाँ पर बैठ जाओ, सिट डाउन। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चेक, और उसने मेरे गालों पे किस किया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन, जी मैं जो तुम्हारा जो लेटर है वो बार बार पढ़ती हूँ, एवरी डे प्रत्येक दिन। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी जो आवाज़ है अपने जो दिमाग में वो सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, मुझे हमेशा ऐसा जो फील होता है, महसूस होता है कि तुम मेरे ही पास हो। एंड नाउ यू आर, और तुम आ गए अब मेरे पास, नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम वापस आ गए हो तो तुम अपना जो लेटर है खुद ही मुझे पढ़ के सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे।
जिम डियर जिम, आई जस्ट वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं तुम्हारी जो आवाज़ है उसको दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। एंड देन परहैप्स वील हैव सम टाइम, और उसके बाद हम लोग कुछ चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा क्रिसमस का केक बनाया है। कौन सा केक है वो? मार्जिपन ऑल अराउंड, जिसके चारों ओर कौन सी मिठाई लगाई है मैंने? मार्जिपन वाली मिठाई लगाई है। आई नो, मैं जानती हूँ हाउ मच यू लव मार्जिपन, तुम्हें ये जो मिठाई है कितनी ज़्यादा पसंद है, मुझे इस बारे में पता है। तो ये माइकल मोरपुजो की ये बहुत ही बढ़िया सी एक स्टोरी थी, लेसन था, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी। आप जैसी भी आपको लगी हो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।